दोनों टीम के कैप्टन कैप्टन और प्लेयरों से अनुरोध है कि आए और लाइनअप हो जाए। दोनों टीम के कैप्टन और प्लेयर सिया, आपको बता दें कि आज का टीम पलुआ ने पूरी तरीके से खपुरा को पराजित किया है फाइनल मैच में। हालांकि मैच का खेल होता है और रनर अप टीम ने भी काफी संघर्ष किया और फाइनल मैच तक गया तो काफी बढ़िया रहा दोस्त। और मैच का खेल का भाग आया है आइए प्लीज क्लैप योर हैंड प्लीज क्लैप बोले बोले हम इंटरव्यू लीडर से प्लीज क्लैप योर हैंड तालियों से स्वागत बताइए हमारे लीडर टीम के नाम पर दिया कप्तान अभिनंदन कुमार जोरदार तालियों से स्वागत करें एंट्री बॉक्स में प्लीज क्लैप योर हैंड जिया। दोनों टीम राजा कुमार आपका टीम भाग राजा कुमार आप अपने टीम के साथ आइएगा इधर से सामने से इधर से बुलाइए। नमस्कार आप देख रहे हैं बदलता बिहार और मैं हूं आनंद वर्मा। आज खलपुरा प्रीमियर लीग के द्वारा फाइनल मैच जो खेला गया इसमें खलपुरा बनाम बलुआ का मैच खेला गया। खलपुरा ये मैच हार गई और बलुआ ये मैच जीती हुई। आइए हम खलपुरा के टीम के कप्तान से बात करते हैं कैसा महसूस हो रहा है आपको? जैसा सोचे थे हम लोग वैसा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। ये एक अच्छा रिजल्ट नहीं रहा हमारी टीम के लिए। क्या आप लेके आगे अंदाज मतलब खेलने के शुरू किए थे? पिच को गलत पढ़ा, हम सोचे थे कि इस विकेट पे कम से कम 150 का स्कोर पर्याप्त होगा लेकिन हम पिच को अच्छे से समझ नहीं पाए और बड़ा स्कोर बनाने के चक्कर में हमारी टीम 80 रनों पे ऑल आउट हो गई। फिर आगे दूसरी मैच में अच्छा से खेलने की कोशिश करेंगे आगे जो भी कोई भी इस हार से सबक लेके हमारी टीम आगे अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। और हम अभी विजयी टीम के कप्तान से हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश कुमार उर्फ काला डोंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप मैच जीत के बाद? तो सब कोई खुशी ही रहता है, अच्छा लग रहा है जीत कर। क्या जीत के उपलक्ष्य में आपको क्या मिलने वाला है? पार्टी साटी क्या क्या मिलने वाला है आपको? जीत से बढ़ के क्या खुशी हो सकता है जी। धन्यवाद। अभी हम लोग इन दोनों टीमों के कप्तान से बात करते धन्यवाद। यह जो राय साहब कालिका सबसे उत्तम एवं समतल मैदान है। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।